ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक साउथ कोरियन थ्रिलर मूवी बैड इवेंट की, जो रिलीज हुई थी 2010 में। इसे डायरेक्ट किया था जेंग चिउल सू ने एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.3/10। गाइस, आप इस मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपको एक इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करेगी। सो मूवी स्टार्ट होती है हिवॉन नाम की एक लड़की से, जो सियोल बैंक में काम करती है। एक दिन वो काम से लौट रही थी, तभी रास्ते में वो देखती है कि कुछ गुंडे एक लड़की को बहुत मार रहे हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो हिवॉन की गाड़ी के पास जाकर भी उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो भी वहाँ बाकी लोगों की तरह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हिवॉन अपने वर्क प्लेस पर होती है। बैंक में उसका काम बेसिकली क्लाइंट्स की लोन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, और इसी सिलसिले में एक लेडी उससे मिलने आई है। उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की थी और हिवॉन ने उन्हें लोन दिलाने के लिए प्रॉमिस भी किया था, लेकिन अभी वो मना कर देती है, उन्हें ये लोन नहीं मिल सकता। वो लेडी बहुत परेशान होती है, उन्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन हिवॉन उनसे रूडली पेश आती है और उन्हें चिल्लाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी एक कलीग ने उस लेडी को लोन दिलवा दिया है। वो लेडी बहुत खुश है और उस कलीग को बहुत ही गुड विशेस रही है। ये सब देखकर हिवॉन को लगता है कि उसने मैनेजर को मैनिपुलेट किया है। वो उस कलीग से डायरेक्टली बात करती है और उसे बुरा भला कहती है। उसके बाद जब हिवॉन वॉशरूम में होती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस कलीग को सॉरी का मैसेज भेजती है। फिर वो बाहर जाने की कोशिश करती है एंड देखती है कि दरवाजा तो बाहर से लॉक्ड है। उससे बाहर उसे कलीग के शूज नजर आते हैं। जैसे तैसे वो बाहर निकलती है और उस कलीग को सब के सामने थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ जो क्लिनिक लेडी थी उसने भी सेम वही शूज पहने थे, और उससे पता चलता है कि उस क्लिनिक लेडी से ही दरवाजा गलती से लॉक हो गया था। उस कलीग की तो कोई भी गलती ही नहीं थी। उसके इस गुस्से की वजह से उसके बॉस उसे वार्न करते हैं और कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए भी कहते हैं, और इसी बीच हिवॉन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। दरअसल उस दिन जो लड़की हेल्प मांग रही थी उसका किसी ने बहुत बुरी तरह से मर्डर कर दिया है और कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है, और हिवॉन इसकी लास्ट विटनेस है। उसके सामने उन दो लड़कों को लाया जाता है, लेकिन वो उन्हें पहचानने से मना कर देती है। उस लड़की के पिता हिवॉन से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो तब भी चुप रहती है, उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो लड़के हिवॉन को वार्न करते हैं कि उसने कभी भी इस केस में इंटरेस्ट दिखाया तो उसकी भी वही हालत होगी जैसी उस लड़की की हुई थी। अब हिवॉन बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो चुकी थी एंड उसके पास किसी लेडी का बार बार कॉल आ रहा था। वो उससे रूटली रिप्लाई कर रही थी। वो घर पहुंचती है और उसे किसी बुक नाम से बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। वो उन्हें ओपन तक नहीं करती और डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद वो रात भर सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो डिसाइड करती है कि उसे मूडो आइलैंड विजिट करना चाहिए, जहां पर उसके दादाजी का घर है। उसका बचपन वहीं बीता है और वहीं पर बुक नाम भी रहती है। दरअसल वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। हर वक्त वो लोग साथ रहा करते थे। उसके बाद हिवॉन मेनलैंड शिफ्ट हो गई और बुक नाम उसी आइलैंड में रह गई। बुक नाम के लेटर्स देखकर लगता है कि वो अभी भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, लेकिन हिवॉन शायद बदल चुकी है। उसके बाद हिवॉन उस आइलैंड पर जाती है जहाँ पर फर्स्ट टाइम बुक नाम को दिखाया जाता है। वो हिवॉन को देखते ही बहुत खुशी से उसका वेलकम करती है, बहुत एक्साइटेड होकर उससे गले मिलती है, लेकिन हिवॉन बस नॉर्मली उससे मिलती है। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो खुश है। वहाँ पर बुक नाम के साथ कोई भी ठीक से बिहेव नहीं करता है। वो बोट ड्राइवर उससे कहता है कि तुम्हारे गंदे हाथों से हिवॉन को मत छुओ। फिर बुक नाम जब हिवॉन को लेकर उसके दादाजी के घर की तरफ जा रही होती है तो वहाँ खेत में कुछ लेडीज और बुक नाम के परिवार काम कर रहे थे। बुक नाम सभी को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन यहाँ पर भी उसकी मदर इन लॉ उसे डांटती है क्योंकि उसने अपने पति मैनजोंग और देवर चियुजोंग का नाम लिया था। घर पहुंचने पर हिवॉन की मुलाकात होती है बुक नाम की बेटी योने से, जो उसे देखकर वहां से भाग जाती है। बुक नाम हिवॉन से कहती है कि उसे नहीं पता स्ट्रेंजर से कैसे बिहेव करना चाहिए। वो 10 साल की है, लेकिन वो अभी तक स्कूल नहीं जाती है क्योंकि यहां लोगों का मानना है कि स्कूल जाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बुक नाम चाहती है कि वो स्कूल जाए क्योंकि यहां रहने से उसकी हालत भी शायद इसी की तरह हो जाएगी। उसके बाद रात में मैनजोंग और योने फिशिंग
फिशिंग के लिए जाते हैं तो चियोजोंग बोक नाम का रेप करता है, लेकिन बोक नाम कोई रिएक्ट नहीं करती, जैसे ये उसके लिए यूजुअल सी बात है। फिर मैनजोंग के आने पर उसकी बातों से लगता है कि उसे सब पता है, लेकिन इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफेक्ट जब बोक नाम आवाज उठाने की कोशिश करती है तो मैनजोंग दरवाजा बंद करके उसे पीटता भी है, और उसकी बेटी रियोने वहीं बाहर बैठी है, वो सब सुनकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे ये सब वो रोज देखती है उसके लिए एक आम बात है। मैनजोंग के घर वाले बोक नाम से सारा काम करवाते हैं जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो, उससे बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आते। उसके बाद इवॉन और योने आपस में कुछ बात करते हैं और इवॉन योने के साथ उसके घर जाती है तो वहाँ कुछ और ही चल रहा होता है। वहाँ कमरे के अंदर मैनजोंग किसी प्रोस्टिट्यूट मीरान के साथ था और बाहर बैठी बोक नाम खाना खा रही थी, जैसे उसे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर जब मीरान बाहर आती है और बोक नाम से बात करती है तब पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बोक नाम वहाँ से भागना चाहती है और मीरान भी चाहती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन बोक नाम अपनी बेटी को उसके पिता से दूर नहीं करना चाहती। बोक नाम योने के पास जाती है और देखती है कि योने मेकअप कर रही है। उसे मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसकी सोच ये है कि मीरान मेकअप करती है, वो सुंदर दिखती है, इसलिए मैनजोंग उसे प्यार करता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये मेकअप उसे मैनजोंग ने ही लाकर दिए हैं। बोक नाम उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि ये प्यार वो प्यार नहीं है, और तभी मैनजोंग वहाँ पर आ जाता है और उसे लगता है कि ये दोनों उन मेकअप आइटम्स को लेकर झगड़ रहे हैं। फिर वो बोक नाम को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। जब वो जाने लगती है तो वो देखती है कि मैनजोंग अपनी ही बेटी को गलत तरीके से छू रहा है। ये सब देखकर बोक नाम खुद को रोक नहीं पाती है और एक सिगल उठा लेती है, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, एक बच्ची अपने पिता की गोद में बैठी है, बस सिर्फ इतना ही। तब वो बोक नाम रुक जाती है, लेकिन वो जानती है कि जो वो सोच रही है वो गलत नहीं है, आज नहीं तो कल मैनजोंग उसे भी एक्सप्लॉइट करने वाला है, और माँ होकर बोक नाम ये सब सहन नहीं कर पाएगी। तो वो इवॉन से मदद मांगती है। इवॉन भी पैकिंग कर रही थी क्योंकि उसे कल ही वापस जाना है। बोक नाम उसे सब बताती है लेकिन वो बिलीव नहीं करती, उसे लगता है कि बोक नाम झूठ बोल रही है क्योंकि उसे यहाँ से किसी भी तरह निकलकर मेनलैंड जाना था। वो बहुत कोशिश करती है उसे ना सही, बट योने को तो वो अपने साथ ले जाए, लेकिन वो डायरेक्टली मना कर देती है, और हम देखते हैं कि बाहर से कोई लेडी उनकी बातें सुन रही होती है। नेक्स्ट डे जाने से पहले इवॉन योने से मिलने जाती है, तब वो नोटिस करती है कि योने कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो बार बार इवॉन के चेस्ट पर टच कर रही थी। पूछने पर वो बताती है कि लड़की को ऐसे ही प्यार किया जाता है, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। इवॉन योने से पूछती है क्या तुम्हारे पिता भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करते हैं, तो योने की फेस पर एक बहुत ही वियर्ड सी स्माइल थी। तब इवॉन को शक होता है कि बोक नाम शायद सच कह रही थी। फिर तभी वहाँ बोक नाम की मदर इन लॉ आ जाती है और योने को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इवॉन उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डायरेक्टली बोल देती है कि बोक नाम झूठी है, वो तो एक भिखारी थी, मेरे बेटे ने उसे पनाह दी थी। योने तो उसकी बेटी तक नहीं, फिर भी वो उसकी परवरिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये था कि योने बोक नाम की तो बेटी है लेकिन मैनजोंग की नहीं, और यहाँ पर वो बोक नाम को कैरेक्टर लेस बता रही थी। दूसरी तरफ बोक नाम भागने की तैयारी करती है, वो चुपके से पैसे चुराती है और मीरान को कॉल करती है। सुबह वो बोट लेकर आने वाली है और उसके बाद वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाएगी। फिर वो सुबह होते ही निकलते हैं और देखते हैं कि वो वही बोट ड्राइवर है जो मैनजोंग का दोस्त है, फिर वही होता है जिसका उन्हें डर था। मैनजोंग वहाँ आ जाता है और बुरी तरह बोक नाम को मारने लगता है। वहाँ मौजूद इतने सारे लोगों में से कोई भी उसे नहीं रोक रहा था, बल्कि उससे मारने के लिए और ज्यादा उकसा रहे थे। बोक नाम की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसकी बातों से पता चलता है कि उससे बहुत पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। उसने सब कुछ टॉलरेट किया और यहाँ सभी लोगों ने उसका फायदा उठाया, इसीलिए उसे नहीं पता कि योने का पिता कौन है, क्योंकि यहाँ सब ने उसका रेप किया है। ये बातें सुनकर मैनजोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे और भी बुरी तरह से मारने लगता है। योने अपनी
माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मैन जोंग उसे इतनी तेज धक्का देता है कि वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और इस बच्ची की मौत हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। सभी स्टैंड हो गए थे और सैड भी, लेकिन ये भी बस कुछ देर के लिए ही था। फिर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ आते हैं तो वो सभी मिलकर ऐसे जता रहे थे कि मैन जोंग जैसे इनोसेंट है और कल्प्रिट बुक नाम है। मैन जोंग कहता है कि बुक नाम सुबह योनी को लेकर भाग रही थी, लेकिन वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, वो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बुक नाम उसे फोर्स कर रही थी। उसे हड़बड़ी में ये हादसा हो गया जिसमे योनी की मौत हो गई। वो इवॉन से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। बुक नाम को लगा था कि वो उसे सपोर्ट करेगी, लेकिन वो डायरेक्टली मना कर देती है। इस बात से बुक नाम को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, वो इससे बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। फिर बुक नाम खुद को बिजी रखने के लिए खेत में पागलों की तरह सारा काम कर रही होती है, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ फील होता है। वो कुछ देर के लिए रुक जाती है और फिर सडनली वहाँ मौजूद सभी औरतों को एक एक करके मार देती है। फिर जब मैन जोंग और चियो जोंग ड्राइवर के साथ वहाँ आते हैं तो वो उन्हें भी मार देती है, वो भी इवॉन के सामने। उसके बाद वो इवॉन को भी चेस करने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे उस आइलैंड से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बुक नाम भी मेनलैंड पहुंच जाती है। फिर हम इवॉन को देखते हैं, वो अभी भी सियोल नहीं पहुंच पाई है, वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में रेस्ट कर रही है। फिर रात में जब उसकी आँख खुलती है वो देखती है कि उसके हाथ में हैंडकफ्स है और उसी सेल में बुक नाम भी है। तभी हमें पता चलता है कि बुक नाम यहाँ सिर्फ इवॉन को मारने के लिए आई है, क्योंकि जिस दिन योनी की मौत हुई थी इवॉन वहीं थी, उसने सब कुछ देखा था, लेकिन फिर भी उसने झूठ कहा। इसलिए वो बहुत ही बिटर फील कर रही थी, बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। वो जैसे ही इवॉन पर अटैक करती है, पुलिस ऑफिसर गोली चलाकर उसे रोकता है एंड इसी का फायदा उठाकर इवॉन वहाँ एक बांसुरी से बुक नाम को मार देती है और उसी की गोद में बुक नाम की मौत हो जाती है। इवॉन ने इस बार भी खुद को सेव कर लिया था, लेकिन वो अब इमोशनली चेंज हो चुकी थी। वो यहाँ से निकलते ही पूरी तरह बदल चुकी थी, उसके थॉट्स चेंज हो चुके थे। उसके बाद वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है और उन गुंडों को आइडेंटिफाई करती है। वो घर लौट आती है और बुक नाम के लेटर्स को पढ़ती है, उसमें बुक नाम का दर्द साफ दिखता है। एक इवॉन ही थी जो उसकी लास्ट होप थी, लेकिन वो उसे कभी समझ नहीं पाई और अभी उसे इसी गिल्ट के साथ जीना होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें, और अगर नहीं आई है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे।